हेलो एंड गाइस, कैसे आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से निकल कर आए। फ्लिपकार्ट, आप सभी को पता है कि हम सब जो लोग हैं जो फ्लिपकार्ट के ऊपर ही शॉपिंग करते हैं, एंड जब भी कोई शॉपिंग करते हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट हम मंगा लेते हैं या हम कोई प्रोडक्ट हम सिर्फ चेक करने के लिए मंगाते हैं कि हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट हम उसको जब रिटर्न करने जाते हैं तो रिटर्न करने के टाइम हमको वो प्रॉब्लम आ जाती है जब हमको रिटर्न नहीं कर पाते, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा पैसा फंस जाता है। अब इस कंडीशन में हम अपने वो पैसे को फंसने से बचाने के लिए हम इस वीडियो को बनाने का मकसद समझते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले प्रोडक्ट में आ रही है। फिलहाल इस मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं और भी पॉलिसीज के ऊपर बना रखे हैं कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैसे करें एंड रिफंड कैसे दें, रिप्लेसमेंट को रिफंड कैसे करें, एंड बहुत सारी 72 हर्स सर्विस सेंटर वाली मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। अगर आपको अन्य प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। अगर आपको किसी ऑफर के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो फिर भी बताइए, मैं वो भी बना देता हूँ। एंड बहुत सारी कैटेगरी में ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, आप वहाँ से भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपने रिलायंस ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जियो का, वो अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। और आपको फोन अच्छा लगेगा तो आप परचेस भी कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कस्टमर से बात की तो वहाँ से मुझे क्लेरिफाई मिला है कि हम इस अपने मोबाइल को कैसे, जो हम अपने प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो कैसे कैसे रिटर्न करेंगे, उसके बारे में फुली डिटेल में बताया है ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले प्रोडक्ट को। एंड आइए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अक्सर हमने यहाँ पर देखा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ओपन बॉक्स डिलीवरी जो प्रोडक्ट होते उसी को रिलेटेड होते हैं कि हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे। एंड यहाँ पर आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगा रखा हो, कोई LED हो या कोई किसी प्रकार का कोई गैजेट हो या मोबाइल हो या कोई ऐसा डिवाइस हो जिसको यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी में बताया गया है। बट क्या होता है, वो ओपन बॉक्स हमें कह तो देते हैं कि ओपन बॉक्स है, बट वो हमें ओपन करके ही नहीं दिखाते। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रेंड, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से बात की तो उनसे यहाँ पर पूरी की पूरी मुझे जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे मिली है। मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार आप अपने जो फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट होता है, भले वो वॉशिंग मशीन हो, भले वो LED TV हो, भले वो किसी भी प्रकार का गैजेट हो, आप उसको कैसे रिटर्न करेंगे। उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। अक्सर यहाँ पर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपने सभी प्रोडक्ट पर ये पॉलिसी क्यों नहीं रखी, तो उन्होंने ये भी जवाब दिया कि अभी ये सेलर के ऊपर डिपेंड है वो क्या करता है, क्योंकि सेलर सिर्फ महंगे प्रोडक्ट जो होते हैं उनके ऊपर ही जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी करवाता है। क्यों? क्योंकि जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ रिटर्न अगर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए अपने सेलर बचने के लिए ओपन बॉक्स डिलीवरी एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी भी लगेगी, बट यहाँ पर कईयों को अच्छी नहीं लगती है। बट यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर जो बोल रहे हैं वो आपको यहाँ पर सुनना है एंड आपको समझना है, तो ध्यान से सुनिए जो फ्लिपकार्ट ने कहा है, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट का रहने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर हम कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं, फोटोज भी क्लिक किए हैं प्रोडक्ट के ओपन करने के बाद, जो प्रोडक्ट के फोटोज है वो क्लिक करके साइट पे अगर अपलोड भी कर दिए हैं तो उसमें रिटर्न रेस होता ही नहीं है सर। एक्चुअली उसमें एरर आती है क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि आप उस प्रोडक्ट को डोरस्टेप पे मना कर दें। अगर आप अवेलेबल नहीं थे जब ओपन बॉक्स, जैसे ओपन बॉक्स डिलीवरी कोई प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है बट आपको ओपन करके नहीं दिखाया है, या आप अवेलेबल नहीं थे या आपको आइडिया नहीं था ओपन बॉक्स डिलीवरी का, तो उस केस में हो सकती है रिटर्न रिक्वेस्ट रेस, बट ऐप में से ऑप्शन नहीं आएगा सर। उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करके करानी होगी। अच्छा मैम, जैसे कि मैंने एक LED TV मंगाया था मैम, वो मेरे को पास आया तो उन्होंने मुझे ओपन करके तो दिखाया नहीं था। एंड जब कह रहे हमने कहा कि इस पर तो ओपन बॉक्स, हमें पता भी था कि ओपन बॉक्स लिखा है कि हमें ओपन करके दिखाइए, वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा मैम? अगर ओपन करके दिखाया नहीं है बिल्कुल भी और उन्होंने साइट पे फोटोज भी नहीं अपलोड किया है तो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी। आप मुझे ऑर्डर जी मैम, तभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे। ओके सर, बिल्कुल। अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी परफॉर्म हुई है तो उसमें नहीं रेज होती, क्योंकि सर एक्सपेक्टेड होता है कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको दिया गया है तो आप पहले ही प्रोडक्ट को चेक करके रिसीव करें, चेक करके अगर सही है तो ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करें। या जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, यानी कि मोबाइल हो गया या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप 5-10 मिनट में नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है प्रोडक्ट में, तो काइंड ऑफ डिफेक्टिव हम उसे कहेंगे कि इंटरनल अगर कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो गया या फिर कुछ डिफेक्ट काइंड ऑफ इशू हो गया, तो वो आप उसके लिए आप बाद में जैसे कि जो 7 दिन 10 दिन जो भी पॉलिसी है उसमें, तो आप उसके बेसिस पे रिटर्न कर सकते हैं। बट मोस्टली उसमें भी सर्विस सेंटर ही विजिट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अगर और मोस्टली डिफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है ऑफकोर्स, तो डिफेक्ट जो है उसमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं रिटर्न का ऑप्शन, बट
डैमेज जो है, जैसे कि विजिबल जो भी इश्यूज है, स्क्रैच है, टूटा हुआ है, अगर कहीं पे क्रैक है, तो ये आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में तभी चेक करना होता है जब आपको ओपन करके दिखाया जाता है। अगर परफॉर्म नहीं हुई है ओपन बॉक्स डिलीवरी, तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं और कंप्लेन रेज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ताकि रिटर्न हो सके। मैम इसका कोई हमको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि हमको दिखाया नहीं गया है, इसका कोई प्रूफ वगैरह? वो ऑलरेडी होता है सर, आप कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करेंगे ना, कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे साइट पे अगर इमेज नहीं शो हुई है, मतलब जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने इमेज अपलोड ही नहीं की है, तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगी। अगर उन्होंने इमेज अपलोड कर दी है तो फिर होता ही नहीं, मतलब एरर आ जाती है, रिटर्न रेंज नहीं हो पाती है। कभी कभी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो है वो परफॉर्म नहीं करते ओपन बॉक्स डिलीवरी, या कभी जल्दी में होते हैं, या कभी कस्टमर जल्दी में होते हैं तो ले लेते हैं, कहते हैं हम घर में चेक कर लेंगे, तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन होते हैं, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। बट जो बेस्ट उसमें सोल्यूशन यही होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी शो हो रहा है आपको, तो आप चेक करके ही ले, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दे ऑर्डर को। तो अगर प्रीपेड है तो रिफंड आ जाता है, कैश ऑन डिलीवरी में तो कोई इशू ही नहीं होता है। चलो मैम, इसका ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब यही मतलब रहने वाला है कि मतलब हमको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए, कि हम रॉन्ग प्रोडक्ट देखने को ना मिले, डिफेक्टिव प्रोडक्ट देखने को ना मिले, डैमेज प्रोडक्ट देखने को मिले, तभी आपने ये ओपन बॉक्स डिलीवरी रखा है क्या? यस बिल्कुल सर, क्योंकि कुछ बाद में जो इश्यूज आते हैं, या फिर कलर रॉन्ग है, या फिर साइज गलत है, ब्रांड डिफरेंट है, ऐसे कभी कभी सेलर के साइड से कभी बाय मिस्टेक ऐसे प्रोडक्ट सेंड हो जाते हैं, तो ये सारे इश्यूज को जो बाद में आपको रिटर्न में परेशानी ना हो, टाइम आपका वेस्ट ना हो बाद में, इसी के लिए वो डोर स्टेप पे ही आपको रिसीव करते वक्त ही सारी चीजें क्लियर, जैसे आप ओपन करके देख लेंगे साइज, ब्रांड, कलर, डैमेज, स्टेन, टॉर्न, जो भी इश्यूज है आप देख लेंगे, और सही नहीं है तो आप डोर स्टेप से ही रिटर्न रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको ओटीपी देना होता है, अगर प्रोडक्ट आपने कर लिया, वेरीफाई कर लिया है, आपको लग रहा है कि ये मैंने ऑर्डर किया था सेम है, एग्जैक्ट वैसा है जैसा चाहिए, तो बिल्कुल आप ओटीपी दे देंगे और पेमेंट वगैरह जो है आपका हो जाएगा। अगर आप ओटीपी, जैसे अगर आपको प्रोडक्ट नहीं, मतलब रखना ही नहीं है, रिजेक्ट करना है, तो वो कैंसिलेशन ओटीपी आपको देना होता है, या फिर प्रोडक्ट को आपको रिजेक्ट करना होता है, मतलब जो डिलीवर्ड वाला जो ओटीपी है वो नहीं देना है आपको, अगर आपको प्रोडक्ट आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट से। मैम ये सभी आपने सभी के ऊपर क्यों नहीं रखा है ओपन बॉक्स, कुछ ही प्रोडक्ट पे रखा है ना आपने? यस सर, सेलर के पॉलिसीज पे डिपेंड करता है सर, इसलिए अभी तक वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए अभी आ गया है ऑप्शन, या आप डिफरेंट सेलर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि किस सेलर के पास ऑप्शन है। आपको वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सेलर से कंपेयर करने का ऑप्शन आता है, तो आपको जहाँ पे शो हो रहा है वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अब तक नहीं आया है तो फिर उसमें रिटर्न हो जाता है अगर कुछ इशू आता है तो। ओपन बॉक्स डिलीवरी में सिर्फ एरर आता है, वो ऐप में से रिटर्न नहीं हो पाता है। अच्छा, कस्टमर आपसे कॉन्टेक्ट करके ही प्रॉब्लम को करवाना। जैसे कि यहाँ पर आपको अच्छे से मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई एंड आपको पता लगा कि ओपन बॉक्स डिलीवरी हो, या अगर आपको 7 डे सर्विस सेंटर के बात में आपको बात भी बता दी है कि अगर आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर की अगर आपको पॉलिसी भी दी गई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर भी विजिट करना पड़ सकता है, इसमें यहाँ पर अच्छे से इन्होंने बताया है। बट यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी का यही फंडा बताया है कि अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करके दिखाया है तो जो उनके जो कुरियर बॉय होते हैं उन्होंने फोटो जो होती है उनकी साइट पर अपलोड करनी होती है, बट अगर वो अपलोड नहीं करते हैं एंड आपको कह देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे से कॉन्टैक्ट करिए या फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट करिए, तो आप जब उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर वो जब चेक करेंगे आपकी इमेज तो यहाँ पर अपलोड हुई नहीं बट यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आपका क्या कर सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। बट यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐप के अंदर बिल्कुल भी आपको रिटर्न नहीं करवा सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। आपको डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट करना है, वो आपकी एक इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, आपकी एक जो होती है वो रिपोर्ट करेंगे एंड रिपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 3 दिन का टाइम ले जाएगा, या आपसे इंस्टेंट आपका रिटर्न अप्रूवल कर जाएगा कि चेक किया जाएगा कि असल में प्रॉब्लम क्या। आपको ये टेक्नीशियन भी भेज सकते हैं, अगर यहाँ पर वो टेक्नीशियन भेजते तो टेक्नीशियन भी चेक कर सकता है। बट यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा ही अगर आपको प्रॉब्लम आ रही कि रिफंड ही आपको चाहिए तो उस केस में आपको यहाँ पर रिफंड भी दिया जाएगा। बट अगर आपको ओपन करके भी दिखा दिया जाता है एंड आपको सोचते हैं कि हमें ओपन करके भी दिखा दिया है, अब यहाँ पर ओपन करके दिखा दिया तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर भी आप रिटर्न करेंगे तो आप कस्टमर से कांटेक्ट करके ही रिटर्न करेंगे। बट यहां पर ऐप के अंदर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना करवा सकते, यहां पर अच्छे से इन्होंने बता दिया है। अब यहां सर्विस सेंटर की बात करें तो यहां पर आप अगर आपको कोई मोबाइल वगैरह है तो अगर आपको वो डैमेज है, अगर टूटा फूटा है तो आप उसको सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, नहीं तो इनके से कॉन्टैक्ट करके अपना रिटर्न अप्रूवल करवा सकते हैं। ये अपनी तरफ से रिटर्न अप्रूवल नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर टाइम लगता है 3 वर्किंग डेज का, वो चेक करेंगे कि असल में प्रॉब्लम कहां से हुई क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग होती है कहां से लेकर कहां तक प्रोडक्ट पहुंचा था, किस टाइम में कहां से खराबी हुई थी। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बताया एंड यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की। मैंने भी आपको लिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट किया, इनसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि आपको यहाँ पर अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए क्योंकि आपका पैसा बड़ी मेहनत का पैसा रहता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी हेल्प करता ही रहूँगा इसे। एंड आप अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड अगर आप हमारी कोई भी वीडियो
पूरी की पूरी वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही पॉपुलर वीडियो रहती है एंड यहाँ पर बड़े प्यार से वीडियो बनाई जाती है, इसलिए आप उस वीडियो को प्यार दीजिए, तभी हमें अच्छे से अच्छे आपके लिए भी कोई अच्छे से अच्छे आप अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से वीडियो में समझा चुका हूँगा मैं। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया एंड आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दी कि आपको कैसे कैसे रिटर्न करना है और आपको कैसे इस प्रॉब्लम से बचना है। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की कोई हेल्प चाहिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर ज्वाइन करें, नहीं तो हमारे ट्विटर से जरूर ज्वाइन करें एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों को तीनों यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, अगर आपको कमेंट में टाइप करना है तो कमेंट में भी आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि हम रिप्लाई नहीं दे पाते, कभी कभी हम काम में फंसे होते हैं इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं दे, बट मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहूंगा एंड आपको समझाता रहूंगा कि आप इन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। एंड इसी के साथ वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखिए, बाय।